बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही मज़े का हेल्दी क्विक रेडी होने वाला सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है एवोकाडो सैंडविच। तो चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सैंडविच। तो इसके लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स प्रिपेयर कर लिए हुए हैं, एकदम हम देख लेते हैं। इधर मैंने एक बाउल में एवोकाडो है जो है वो मैश करके रख लिया हुआ है, एग बॉईल करके काट लिया हुआ है बारीक बारीक सा। और यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च और 1/2 लेमन मैं इसमें यूज़ करूँगी, और ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हुए हैं। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने बाउल लिया हुआ है इसी में मैं एग डाल दूँगी जो कि मैंने ऑलरेडी चॉप किया हुआ है। अब मैं इसको फोक की मदद से नाइसली मुश कर लूँगी जैसे इसका पेस्ट रेडी हो जाए। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। इसको मैंने फाइनली ऐसे ऐसे फोक के साथ ही इसको कर लेते हैं मैश, ये कोई इतना ज़्यादा नहीं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको नाइसली मैश करने के बाद। नाइसली मिक्सचर रेडी हो गया, तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ जो कि नमक और काली मिर्च है, और इसको नाइसली मिक्स करेंगे। इसमें मैंने जो 1/2 लेमन लिया उसका मैंने जूस निकाल लिया हुआ है, तो इसका ये जूस ऐड कर देते हैं इसमें, और इसको मैं नाइसली मिक्स करती हूँ। तो हमारा ये मिक्सचर रेडी है, अब हम इसका सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया हुआ है, अब हम इसे स्टफिंग को लेते हैं और इसकी फिलिंग कर देते हैं। आपने स्पून यूज़ करना है, फोक यूज़ करना है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। ये मैंने एक ही सैंडविच का प्रिपेयर किया था स्टफिंग, तो इसको नाइसली हम कोट कर लेते हैं पूरी ब्रेड के ऊपर। अब ये सारा इस पे कोट कर लिया मैंने पेस्ट, तो अब इसका हम दूसरा स्लाइस पेस्ट के ऊपर रख देते हैं और इसको काट लेते हैं ट्रायंगल शेप में। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया हुआ है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस और क्विक रेसिपी और बहुत ही हेल्दी है। आप भी प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।